नमस्कार, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। नोकिया ने हाल ही में 2024 की अपनी लेटेस्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स MBIT रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में 5G ने सभी डेटा ट्रैफिक में 15% का योगदान दिया है। मेट्रो सर्कल में 5G की कुल मोबाइल डेटा ट्रैफिक में 20% की हिस्सेदारी थी, तो कंज्यूम किए गए प्रत्येक 5G डेटा में से 1 GB डेटा 5G था। इस विषय पर नोकिया के मार्केटिंग और कॉरपोरेट अफेयर हेड ने विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि अमित मारवाह ने क्या कुछ कहा। आज हम लोगों ने नोकिया की 11वीं एडिशन MBIT रिपोर्ट की लॉन्च करी है और इसकी कुछ हाइलाइट्स ये हैं कि आज की तारीख में दिसंबर 2023 तक 17.4 एग्जाबाइट ऑफ डेटा हिंदुस्तान में हमारे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे थे। ये शायद दुनिया की लार्जेस्ट डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में से एक होएगा। हमने इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया है और ये एनालाइज किया है कि ये जो ग्रोथ हुई है, ये पिछले 5 साल में 2.5 गुना ग्रोथ डेटा कंजम्पशन की इंडिया के अंदर हुई है। हमने ये भी हाईलाइट किया है कि एक एवरेज कंज्यूमर इंडिया के अंदर कोई 24 GB डेटा पर मंथ यूज करता है। ये भी एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो दर्शाता है कि इंडिया इज वेरी अहेड और इंडिया का एपेटाइट डेटा के लिए, जितना आप देंगे उतना कंज्यूमर और कंज्यूम करेंगे। और इस रिपोर्ट में हमने ये भी दिखाया है कि 5G की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट इंडिया में लास्ट ईयर और लास्ट 1.5 साल में हुई है, उस 5G की अपटेक कैसे है। 15% डेटा जो है वो 5G यूजर से आ रहा है। 130 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी 5G नेटवर्क के ऊपर हैं और ये दिसंबर तक था, अभी और ये 20-30 मिलियन बढ़ गया होगा। जो 5G यूजर है वो 4G के कंपैरेटिवली में 3.5 गुना ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, तो जिसको और मिल रहा है वो और कंज्यूम कर रहा है। और एक 5G का जो बेसिक यूज केस है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस भी होता है, एक टर्मिनल होता है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, उसके लिए कोई फाइबर नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो वायरलेस नेटवर्क के ऊपर, तो रूरल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होम ब्रॉडबैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फिक्स वायरलेस वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो 5G यूजर से भी 2.5 गुना ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो दिस इज एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है 5G के लिए। रिपोर्ट के अनुसार देश में 5G सर्विस की लॉन्चिंग के बाद भी मोबाइल डेटा के इस्तेमाल और खपत में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 तक भारत में मोबाइल डेटा के इस्तेमाल में 2 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। वहीं साल 2022 में 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से अधिक 5G डिवाइस का भारत में निर्यात होने का अनुमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। टेक और गैजेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें punjabkesari.com को।